गुरुस में आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक ऐसे स्मार्टफोन जो स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि एक फ्यूचर स्मार्टफोन है जिसका नाम है वीवो नेक्स, जिसके अंदर आप लोग को बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी मिलती है, फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस मिलता है और बाकी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैमरा भी मिलता है, डिजाइन भी बहुत ही प्रीमियम है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में जो बता दूंगा। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को इसकी जो प्राइसिंग मुझे जहां तक लगती है वो 45 से 50 के बीच में होगी। अगर वैसा होता है तो भी अच्छा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको मिलते हैं जो मेरे हिसाब से वर्थ अपग्रेडिंग है। यहाँ पे ज्यादा निवेश नहीं करते, मेरे पास यहाँ पे है बड़ा सा डब्बा, फटाफट से आप इसकी अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। बॉक्स आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, एकदम से ब्लैक कलर का बॉक्स है और सामने की तरफ लिखा है वीवो नेक्स। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो ओप्पो का फाइंड एक्स लैक कर रहा था, तो वो कमी आपकी यहाँ पे दूर हो रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको ये फोन मिलेगा और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है। आपको अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, 91.24% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, बहुत ही कमाल की बात है। एलिवेटिंग फ्रंट कैमरा जिसको हम पॉपअप कैमरा भी बोलते हैं, स्नैपड्रैगन का 845 वाला प्रोसेसर मिलता है, आपको 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज मिलती है। सारी चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा। नीचे देखेंगे तो हमारे पास जो वेरिएंट आया है वो है ब्लैक कलर। बस मैं यही चाहता हूं कि प्राइस यहां पे 45 से 50 के बीच में हो तो मेरे सबसे सही बात है। यहां पे सबसे पहली चीज देखेंगे तो हमें हमारा फोन मिलता है जो यहां पे इस तरफ आ जाता है, ये देखेंगे इस तरीके का। इसको यहां पे हम बाहर निकाल देते हैं और ये देखेंगे बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पे एक ब्यूटीफुल डिजाइन यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे आपको सामने और पीछे दोनों तरफ जो वो स्क्रीन गार्ड अप्लाइड करके आता है तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में आपको और क्या कुछ मिलता है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक डोरी को खींच देते हैं तो इस तरीके से आपको और रिमेनिंग कंटेंट जो वो दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये आपको मिलता है, ये एक बैक केस है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे मुझे फील आ रहा है, एकदम से मैं कहूंगा जो वेलवेट होते ना कुछ वैसे ही आपको फील आता है, बहुत ही अच्छा आपको एक बैक केस प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे चार्जर जो आउटपुट आपको मिलती है वो 10 वॉट 2.25 एम्पे मिलती है, ऑब्वियसली एक फास्ट चार्जर है, आपके फोन को आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिलता है, सिम इजेक्टर पिन, यहां पे आप लोग को एक केबल मिलता है जो यूएसबी टाइप सी केबल है, आप देखेंगे इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। और यहां पे फाइनल कंटेंट की बात करें तो ये आपको वीवो के कुछ ईयरफोन्स मिलते हैं, थैंकफुली आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है तो आप किस वाले ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी और का भी कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिटी आपको जो ईयरफोन की मिलती है वो मेरे वीवो का जो X20 कुछ वैसे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम आते हैं हमारे फोन की तरफ और सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं डिजाइन और फिजिकल लुक की बात कर रहा हूं तो आप देखेंगे आपको ये जो बैक की तरफ जो डिजाइन मिलती है ये एकदम से आपको जो वो इफेक्ट जो आपको मिलता है ये मल्टी कलर इफेक्ट मिलता है, ये आपको बैक जो मिलता है ये ग्लास में मिलता है और जो फ्रेम्स आपको यहाँ पे जो वो मेटल फ्रेम्स मिलते हैं सराउंडिंग के अंदर, लेकिन जो बैक है यहाँ पे ये बहुत ही अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो यूज की है जहाँ पे वीवो इसको बोलता है कि इसके अंदर आप लोग को मिलते हैं जो है वो नैनो प्रिसिशन लेजर एंग्रेविंग, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डायनामिक कलर्स को कार्व किया है इसके अंदर। तो अलग अलग कलर्स के आप देखेंगे आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को जो मिल रही है वो उसी का इफेक्ट मिल रहा है जो यहाँ पे वीवो ने इस्तेमाल किया। काफी प्रीमियम क्वालिटी का आपको यहाँ पे बैक मिलता है जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो वो फील दे रहा है। तो कुछ इस तरीके आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे फिजिकल ओवर की बात करें तो नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिलता है, आपको यहाँ पे दो सिम कार्ड लगाने का मौका मिलता है, आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के स्टोरेज एक्सपांड नहीं कर सकते। नीचे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, स्पीकर आउटपुट और एक माइक होल देखने को मिलता है। फोन के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बटन मिलता है और वो इनका खुद का जो भी AI है इसको प्रेस करते ही आप काफी सारी चीजें जो वो कर सकते हैं, जैसे कि आपको बिक्सबी मिलता है सैमसंग का, कुछ इसी तरीके का ये काम करता है। और राइट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे पावर बटन और साथ में वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे थैंकफुली आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है, सेकेंडरी माइक होल और ये इंटरेस्टिंग चीज मिलती है वो है एलिवेटिंग जो ऊपर की तरफ कैमरा निकलता है, उसको पॉपअप कैमरा भी बोलते हैं, वो आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरे की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके की मिलती है, नीचे की तरफ LED फ्लैश वगैरह मिलता है, वीवो नेक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग है। सामने की तरफ यहाँ पे आप सोच रहे कि इसके अंदर आप लोग को जो है ईयरपीस सेंसर्स वगैरह कैसे मिलता है, तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि वीवो ने यहाँ पे इसके अंदर जो वो स्क्रीन साउंड कास्टिंग टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक पाइजो इलेक्ट्रिक स्पीकर आपको मिलता है ऊपर की तरफ जो डिस्प्ले के अंदर की तरफ यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर जो आवाज वगैरह आपको मिलेगी वो डिस्प्ले के अंदर से वाइब्रेट होकर आपको मिलती है। सेंसर भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जो वो देखने को मिलता है, जिसके द्वारा ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इसके लिए जो वो फुल स्क्रीन यानी कि अल्ट्रा फुल व्यू जो वो डिस्प्ले देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको थोड़े से जो वो बेजल्स जो वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एकदम से बिल्कुल
बिल्कुल भी मैं कहूंगा नोटिसेबल नहीं है, तो इस पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यहाँ पे फटाफट से हम फोन को बूट करते हैं और ये बूट होता है, मैं आप लोगों को इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो वो दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को इस फोन के अंदर 6.59 इंच की एक फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, जो कि यहाँ पे एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो OLED डिस्प्ले के साथ में ही काम करती है। प्लस यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को 91.24% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है और साथ में जो एस्पेक्ट रेशियो मिलता है वो 19:3:9 का मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का ब्यूटीफुल डिस्प्ले मिलता है वीवो की तरफ से, अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले भी आप इसको जो बोल सकते हैं, जिसकी व्यू एंगल्स काफी कमाल के है। आप गेम खेलो, आप पिक्चर्स वगैरह देखो, मेरे हिसाब से इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी जो वो इशू नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 845 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है। Adreno का 630 का GPU मिलता है। तो यहाँ पे नो डाउट गेम करो, आप जो करो इसके अंदर बिल्कुल भी आपको परफॉर्मेंस में जो वो इशू आने नहीं वाली है। साथ में आपको 8GB की रैम मिलती है, 128GB की आपको स्टोरेज मिलती है। फोन के रियर साइड में आपको यहाँ पे 12+5 megapixel का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको f1.8 का एपर्चर देता है और जो सेकेंडरी है वो आपको f2.4 का एपर्चर देता है। आपको OIS, आपको EIS का सपोर्ट मिलता है, प्लस आपको जो माइक्रोन पिक्सल्स मिलते हैं वो आपको 1.4 मिलता है। इसका मतलब लो लाइटनिंग में आपको बहुत ही कमाल के पिक्चर्स यहाँ पे जो क्लिक करके देगा। फोन का जो रियर फेसिंग कैमरे की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही कमाल की थी, तो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। सामने की तरफ यहाँ पे आप लोगों को जो कैमरा मिलता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर आप देखेंगे फोन के फ्रेम के अंदर से बाहर आता है, जिसको आप एलिवेटिंग कैमरा भी जो वो बोल सकते हैं या फिर पॉपअप कैमरा बोलते हैं। इसके अंदर आप लोग को 8 megapixel वाला ये कैमरा मिलता है, जिसके अंदर आप लोग को AI के द्वारा फेस ब्यूटी मिलता है, जो बहुत ही कमाल के पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करता है, आपको बुके मोड वगैरह सब कुछ जो वो देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी यहाँ पे वीवो ने यूज करी है इस फोन के कैमरे के अंदर। आपको दोनों कैमरे जो पीछे की तरफ मिलते हैं और सामने वाले ये सारे कैमरे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट के साथ में आते हैं। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 4000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में ये फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। 4000 mAh की बैटरी, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपको और कोई उम्मीद नहीं होगी। और सबसे पहले यहाँ पे हम फोन की सेटिंग्स में जाते हैं और अबाउट वर्जन में जाके देखते हैं कि इसमें आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग को एंड्रॉइड 8.1.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तो ये लेटेस्ट वर्जन तो ही आपको मिल जाता है और यहाँ पे इनके खुद के फ्रंट टच OS पे चलता है। और यहाँ पे अगर मैं स्टोरेज और रैम की बात करता हूँ तो आप लोग को यहाँ पे लगभग से 128GB की स्टोरेज मिलती है फिलहाल के लिए जो मेरे पास वेरियंट है उसके अंदर। तो आपको यहाँ पे इसके अंदर से 108GB के आसपास जो स्टोरेज फ्री मिलता है और रैम लगभग से आप देखेंगे यहाँ पे आप लोग को 5.49GB के आसपास रैम जो वो फ्री मिलती है। और ये आपको बताया कि वीवो का जो फ्रंट टच OS है बहुत ज्यादा आपको फीचर्स मिलते हैं कस्टमाइज करने के लिए, आप अपने हिसाब से यहाँ पे आके कस्टमाइजेशन भी जो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही कमाल की चीज आपको देखने को मिलती है, जो बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव। आप देखेंगे इस तरीके से मैंने अपने फिंगर को सेट किया था, बस टच करते यहाँ पे आप देखेंगे ये अपने फोन को अनलॉक कर देता है और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे ट्विक कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह भी आके जो वो चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज आपको देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे एटलीस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है सामने की तरफ, जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो वो काम कर रहा है। तो ये मुझे काफी सही लगा कि वीवो ने इसको इंक्लूडेड कर दिया इस फोन के अंदर। फोन के इंटरफेस देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो वो प्री इंस्टॉल मिलती है आप चाहे तो निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह इंस्टॉल किए थे, तो आने वाले समय के अंदर मैं इसका गेमिंग कैमरा रिव्यू सब कुछ जो वो करूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या इस फोन के बारे में जो वो देखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे रही इस फोन की कैमरे की, तो आप लोग को बहुत ही कमाल का यहाँ पे जो कैमरा मिलता है रियर फेसिंग में। और आप देखेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे अपने कैमरे को ओपन करता हूँ तो ये फ्रंट फेसिंग कैमरा कुछ इस तरीके का घपाक से ओपन हो जाता है। और ये साउंड भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जिस तरीके का आपको साउंड चाहिए। आप देखेंगे मैं स्विच करता हूँ तो इस तरीके से आप देखेंगे बाहर आ जाता है और इस तरीके से अंदर चला जाता है। तो ये कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे रियर फेसिंग कैमरे के अंदर मैं सैंपल की बात करूँ तो आप देखेंगे आपको इस तरीके की कुछ क्लैरिटी मिलती है, बहुत ही कमाल का आपको यहाँ पे जो क्वालिटी मिलता है। आप देखेंगे मैंने डे में कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए थे, उसके बाद मैंने शाम को भी कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया था और रात में भी आप देखेंगे मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किया था। तो बहुत ही क्वालिटी इसकी जो बहुत ही कमाल की आपको देखने को मिलती है। नो डाउट आपको 12+5 megapixel का जो कैमरा मिलता है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आपको देता है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा आप देखेंगे पिक्चर्स यहाँ काफी कमाल के लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इसने मेरे फेस को ब्यूटीफाई किया है और पिक्चर की जो डेप्थ है जो क्वालिटी आप देखेंगे आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। बुके इफेक्ट्स भी आप देखेंगे काफी इसने अच्छा किया है। तो ये कुछ सेल्फी कैमरे भी आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं इसके कैमरे में, और खासियत यहां पे इस कैमरे की ये कि आप देखेंगे आपको इनका जो जोवी AI बटन मिलता है ये क्या करता है, अगर आप कैमरे को ओपन करते हैं तो इसको आप प्रेस करेंगे तो ये गूगल लेंस को यहां पे ओपन कर देता है और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहां पे ये स्कैन करेगा इस तरीके से आप देखेंगे। और उसके बाद
ये उसके बारे में आपको जानकारी दे देगा। जैसे कि आपको पता है कि गूगल लेंस वही काम करता है जैसे कि बिक्सबी वगैरह में आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके का ये बटन आपको यहाँ पे हेल्प करता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो ये आप देखेंगे गूगल के असिस्टेंट को भी ओपन कर देता है। तो एक बहुत ही कमाल की चीज़ को यहाँ पे देखने को मिलती है। सिर्फ कैमरे के अंदर जाने के बाद ही नहीं बल्कि आप नॉर्मली भी आपके फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इस बटन को यहाँ पे दबा देते हैं तो ये डायरेक्टली गूगल लेंस को ओपन कर देता है। तो ये मुझे काफी कमाल का चीज लगा है। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे वीवो के नेक्स्ट एस में देखने को मिलती है। एक फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस देता है, फीचर्स भर भर के यहाँ पे आपको इस फोन में देखने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजी भी काफी यूनिक है, कैमरा भी काफी कमाल का है। तो मुझे लगता है कि आपको इस फोन से और भी ज्यादा शिकायत जो नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको और भी इस फोन के बारे में कुछ देखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिए, तो मैं आपको इस फोन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी जो दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।